वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी आज मैंने तरक्की कर ली है, मैंने चाय के साथ साथ कॉफी बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है पाजी कि जब लड़के लड़कियां डेट्स पे जाते ना वो चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते हैं। कौन कौन कॉफी पीता है? वाह स्वागत नहीं करोगे हमारा ठोको कॉफी शॉप का मैनेजर चप्पल। हेलो कौन हो तुम? मेरे को नहीं पहचाना? नहीं, मैं कप्पू के भाई, गप्पू का भाई चप्पू। चप्पू? लेकिन तुम तो पागलखाने में थे। मैं ठीक हो गया हूँ ना, अब मैं काटता भी नहीं, अब मैं सीधा डंडा मारता हूँ। ओ हेलो, मेरे साथ ऐसे नहीं मार करना, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो फिर बेड पे शूशू क्यों करता है तू? ओ मेरा बेटा यार खुजूर करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। और मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो... पोल खोल इतना बड़ा हो गया जाके बैंक में अकाउंट खोल चल। कॉफी ले लो कॉफी। ओ हेलो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर कॉफी नहीं बेच सकते क्योंकि मेरी दुकान ऑलरेडी चल रही है वहाँ पर। लोल एलओएल। कॉफी ले लो कॉफी। यार तुम मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा रहे हो? लोल एलओएल लोल। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। इसका मतलब तुमने ऐसे नहीं मानना, अब ना मुझे ना हाथ जोड़ने पड़ेंगे। यार प्लीज लोल लोल एलओएल लोल। चलो हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब? हाँ एक काम करेंगे ना, सारे पैसे मैं रखूंगा, तू गिलास धोना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। यार तुम्हें पता भी है जी कैसे चलती हैं चीजें। इधर आ, तू काम कर। मैं बोलता हूँ मालिक, तू बन जा छोटू। बिल्कुल नहीं, तुम बनो छोटू, मैं बनता हूँ कस्टमर। ठीक है, मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जहां जहां गंदगी है वहां वहां कपड़ा मारो। ये क्या किया है तुमने? कुछ ही कहा जिधर जिधर गंदगी कपड़ा मारो। यार मेरी बात सुनो, ऑर्डर लो, अगर ऑर्डर लो, ऑर्डर लो। क्या लेगा बे? ओ बाबा, कस्टमर से तमीज से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं। सर ऐसे बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो। हाँ। सर क्या लेंगे आप? मैं थप्पड़ मारूं पहले, सफाई कर चल के। यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तू सिखाएगा मेरे को? मैंने मारा ही नहीं, बेइज्जती। ओके छोटू मेन्यू लाना। ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मैं छोटू दिखता हूँ तुम्हें? ए छोटू कस्टमर से बात करते, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा मैं। मैं भी सोचूं आपने कैसे कैसे वेटर रखे हुए यहाँ पर। ए हेलो खबरदार, उसको वेटर कहा दो, नौकर है मेरा। एक्सक्यूज मी, ना मैं यहाँ पर वेटर हूँ ना ही छोटू हूँ मैं। अच्छा हाँ, जब तू है ही कुछ नहीं तो इतने बड़े शो में कर क्या रहा है? चलो मेनू लाओ मेनू। तेनू ले तो आए और कैसे लेकर आए। ये थी बेइज्जती की तुमने, वेरी नाइस। कैसे लेकर आए तुम्हें बताओ? ऑटो से लेकर आए तुम्हें? हवाई जहाज से लेकर आए तुम्हें यहाँ पे? थोड़ा तमीज से। ओए अगर मेरी प्लेट तोड़ी मैंने मुक्का मार दे रहे, बैठ इधर। तेरी बात मान लेता हूँ, मेरी भी माननी पड़ेगी, तुमसे पहले आऊं मैं इधर। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? तुम जानते मैं कौन हूं? और ना करो साल साल भर टीवी, बताना पड़ रहा है ना कि मैं हूं कौन। देख लो पाजी, ये तो यहां पर आकर सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, आओ बैठो। जाओ यार चप्पू, इसके मुंह पर ठप्पू मारो, कुछ कहो यार इसको। लोल एलओएल लोल। यार ये सारे लोल तुमने मेरे लिए रखे हैं? मैंने तेरे पेट में चम्मच मार के सारे नूडल बाहर निकाल दिए मैंने। देखो मैंने पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी, आप सर मेरी दुकान पर आइए, आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, आइए। इधर बैठिए, हमारी कॉफी स्टेट की सबसे बढ़िया कॉफी है। हमारी हमारी कॉफी देश की सबसे बढ़िया कॉफी, हमारी कॉफी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कॉफी, हमारी कॉफी इस गली की सबसे बढ़िया कॉफी। पाजी देखा, मेरी माँ ना हमेशा कहा करती थी कि कभी भी एक जगह पे बार बार जाओ ना तो इज्जत नहीं होती, कभी कभी आना चाहिए। देखो कितनी इज्जत हो रही है, इतने बड़े शो में दो दो लोग मुझे चाय पूछ रहे हैं।
और जो घर में आकर ये पूछ रहे भाई साहब हमारे पैसे कब दोगे, उसका क्या है? बिल्कुल सही नौकरी मिली है तुझे, चाय बनाने की। भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। देखो भगवान जो करता है अच्छा करता है, लेकिन तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा, यारी दोस्ती काम नहीं आती इधर। ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्या कह रहा है यार ये? लोल दफा हो, कैफे लाते दे तू। कैफे लाते? यस, कैफे बाद में लाता, लाते ले लो। ओ तू पागल है क्या? तूने मुझे पागल कहा? गलती मेरी, गलती मेरी। तू चाय पिला। कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी, दिखाओ। बड़ी हॉट है यार, चाय ला। भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड हॉट है? तुझे क्या, मेरी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता पागल। एक चाय मिली भी लेना। अपनी दुकान पर जाकर चाय पियो, इधर के लेने आए हो? वहाँ बड़ी महंगी है, मैं नहीं जाना। इधर पिला। ओए सुन, एक बिस्कुट भी ले गया। ओए छोड़ू, बिस्कुट ले गया। ओए हेलो छोड़ू, गिलास धो के लाना। यार ऐसे तो चाय ठंडी हो जानी है। देखो इधर तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, उधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चाय कहीं और ना गर्म हो रही है। हेलो बेबी, मैं तो यहाँ पहुंच गया, कहाँ तुम? कहाँ यार, ये कुछ तरीका होता है? ये कुछ इधर टाइम देके इतनी देर से आई नहीं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? क्या यू शट अप क्या मुझे देख लोगी? देख लो फिर आगे 9 से 12 चले रुस्तम देखने। एक्सक्यूज मी तुम दोनों में से चाय वाले कौन है? Oh, my service, चंदन चाय वाला। लड़की से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इसमें तमीज वाली कौन सी बात है, मैंने तो यही कहा है कि मैं हूँ चंदन चाय वाला। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, तमीज से बोलना चाहिए। जी हाँ भाई, अरे मैं हूँ आपके शहर का मशहूर चाय वाला। एक गर्मा गर्म चाय की फरमाइश की है गोरखपुर से नीनू पप्पू चिक्की और साथियों ने, ऐसे बोलना चाहिए। पप्पू शर्मा, इधर इसने मेरी बेइज्जती कर दी और तुमने अपना रेडियो शुरू कर दिया है। कुछ नहीं कहा तुमने उसको? लोल। LOL, LOL. देख लूंगा तुम्हें मैं, कप्पू शर्मा, चप्पू शर्मा, देख लूंगा तुम्हें मैं, आता हूँ मैं, आज छोड़ूंगा नहीं मैं। बेबी, मुझे जगह अच्छी नहीं लग रही है, कहीं और चले। चलो बेसमेंट में चलते, बेसमेंट में। बेसमेंट में क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। देखो आप कहीं मत जाना, मेरे यहाँ पे ना बहुत अच्छा चाइनीज बनता है, मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ मुझे बहुत भूख भी लगी है। ओके डार्लिंग, आ जाओ आ जाओ, तुम ऑर्डर करो। बैठो ना जी, फटाफट बैठो, ठंडा हो जाएगा खाना। आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। यार पहली बार आया, इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे मारोगे तुम। दूसरी बार आया, झूठ मत बोलो, बैठो। तुम बैठो, तुम ऑर्डर करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। भाई साहब किधर है? ये तो इधर ही रहती है, ये कहीं जाती। ये ना ये अंगूठा आता ना, अंगूठा ये जाता है, करके दिखाऊं? ये देखो ऐसे ना, ये देखो। ओए वॉशरूम कहाँ है? ये सीधा जा अंदर। अच्छा टेक केयर बेबी। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ नहीं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सर्वी कोल्ड ड्रिंक और वो गंदे से वड़ा पाव खाने नहीं आ रही हूँ। हाँ जो हमने 2 साल साथ में गुजारे उसे धोखा समझ लेना। किसी को धोखा दे रही हो? Just shut up and mind your own business. मेन्यू लाओ। मेन्यू लाओ, ये लो। अरे ये क्या है, ये क्या लिखा है? चाइनीज कैफे है ना, तो चाइनीज में लिखा सब। ओफो, अब मैं कैसे ऑर्डर करूंगी, क्या खाऊं मैं? जो चाहो मंगा लो, तुम कहो तो जान हथेली पर ले आए। एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, गाना सुनाओ ना। गाना? नहीं नहीं नहीं, गाना तो मुझे आता ही नहीं, गाना तो मतलब इट्स लाइक बिल्कुल भी नहीं। इतनी सनी सनी सा धनी 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 पता 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 गम पर नहीं से आ। I'm just बाथरूम सिंगर। अच्छा तो कभी बुलाओ हमें। क्या क्या बोला तुमने? आप तो बुरा मान गई, ऐसे बात करोगे तो ये क्या हो रहा है?
कुछ भी नहीं, कभी कोई आप हमारे रिलेशन पे शक तो नहीं कर रहे? रिलेशन ही? अरे हेलो, होल्ड ऑन, कौन सा रिलेशन? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। क्या संभालोगे तुम बेबी? तो हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, उससे पहले आप आ गए ना, तुम डरो मत, मैं संभाल लूंगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ भी बोले, सुनो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलो माय फ्रेंड, चलो चलो। व्हाट फ्रेंड्स? ये मेरी गर्लफ्रेंड है यार। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है यार। ये क्या पागल आदमी है। चलो यहाँ से, चलो। हेलो, ऐसे कैसे? पहले बिल तो दो। बिल? वॉशरूम का बिल दो 100 रुपए। हेलो, 100 रुपए वॉशरूम? अरे वॉशरूम तो कस्टमर के लिए फ्री होता है। फ्री होता है तो ये क्या लिखा हुआ है? बाहर से खाने पीने का सामान अंदर आया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हमारे कैफे से पानी पियोगे फिर बाथरूम आएगा, फिर कर सकते हो। बाहर से पानी पी के आए हो, हमारे कैफे में तुम बाथरूम नहीं कर सकते। कुछ बात करो, एक मिनट। लेकिन बाहर तो वॉशरूम जाने का 2 रुपए होता है। बाहर तो चाय भी 2 रुपए की मिलती है, लेकिन 5-स्टार होटल में महंगी मिलती कि नहीं मिलती? निकालो मेरे 100 रुपए। एक मिनट, मांग तुम 100 रुपए रहे हो, बाथरूम में दरवाजा भी लगा हुआ। भाई साहब, जब जोर की लगी ना, कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। आपने वो किसी महान विद्वान ने सही कहा है कि दया दरवाजा तोड़ दो। ओह माय गॉड, आरी शारी, मेरे को बड़ी डर, मेरे को डर बड़ा लगता है। छोड़ दिया। ओह गॉड, हाउ डेयर यू? इट्स ओके, तुम बैठो, कुछ ऑर्डर करो प्लीज। अरे क्या ऑर्डर करो, इसमें सिर्फ चाइनीज है। फटाफट एक अच्छी सी चाइनीज डिश लेके आओ, जाओ। चाइनीज डिश? हाँ जाओ, ले आता हूँ। क्या हुआ? डार्लिंग, मौसम कितना हसीन हो गया है, बारिश। लो जी, चाइनीज डिश आ गई। सॉरी यार, मेरे को नहीं अच्छी लगती, मेरे को चीख आ जाती है। I'm so hungry, I can tell you. ये भी खाओगी? I'm very hungry, darling. सितना, sit, babu. क्या हुआ? बाल है। मैं नहीं खा रही ये। ले जाओ इसे, मुझे नहीं खाना कुछ चाइनीज। चाइनीज नहीं खाना तो थाई खा लो। तुम्हारे यहाँ थाई फूड भी है? फूड यही है, ऐसे थाई पे बिठा के खिलाऊंगा। दो अंडों का ऑमलेट लेके आओ, जाओ। ऑमलेट नहीं बन सकता। क्यों? वो ना एक्चुअली मुर्गा मुर्गी जस्ट मैरिड, सो दे आर फैमिली प्लानिंग डूइंग। तो तुम्हारे पास नॉनवेज क्या है? नॉनवेज में? हाँ। एक जोक है, सुनाऊं? शट अप! ये क्या है? हाँ? मुझे अकेले में बात करनी है, समझो? अच्छा, अकेले में बात करनी है, आओ डार्लिंग हम चलते हैं। मुझे उसके साथ अकेले में बात करनी है। अकेले में बोर हो जाओगे, चलो तीनों मिलके करते हैं। मेरे पास ना बड़े गॉसिप्स हैं सिद्धू जी के। ओफो, अब बताओ क्या बात करनी है? मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऑर्डर तो दो पहले। एक काम करो, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच सब लेके आओ। हाँ। तेरा बाप बनाएगा इतनी सारी चीजें, कोई एक चीज का ऑर्डर कर। यार मैं तो तेरा फायदा सोच रहा हूँ। मैं तेरे जैसा मतलब ही नहीं जो अपना फायदा देखता हूँ। आपकी तरफ मैं देख सकता हूँ आधा घंटा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी तरफ देखा ना तो मैं तुझे देख लूंगा। बेबी, हम खाना कहीं और खा लेंगे। हाँ। तुम एक काम करो, 2 कप कॉफी लेके आओ और साथ में स्नैक्स ले आओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आई एम ऑन डाइट, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। हाँ, ब्लैक कॉफी चाहिए। हाँ, ओके। बेबी क्या चाहिए आपको? सॉरी, ब्लैक कॉफी। ओके बेबी। तूने से बेबी को कहा? तुमने भी तो कहा। और मेरी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड ही यार, मेरी क्रिसमस होता है यार। पागल। कैसे पता नहीं कैसे लड़का फंसाया तुमने। मैंने नहीं फंसाया, एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो तुम्हारे घर में चाय कॉफी नहीं बनती, इसके साथ पी रही हो यहाँ पे आके अपनी जेब से? ऐसी लड़कियों ने गोलगप्पे भी नहीं खाती पूरे पूरे, 2 रुपए के गोलगप्पे खाएंगी, फिर बोली भैया एक मीठी पपड़ी देना, कि ये देना कि वो देना। गोलगप्पे खाती रहती। तुझे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड, जितने मर्जी गोलगप्पे खाए वो। हाँ। क्या सारे गोलगप्पे खुद खा जाए, मेरे को एक गोलगप्पा नहीं खिला सकती? तुझे क्यों खिलाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड है। सारे गोलगप्पे खुद खा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं? मैं तेरे को कितनी बार बोला यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है। कैसे कैसे लड़कों के साथ लड़कियां पड़ जाती। अच्छा हुआ ये चला गया, वरना ना। सुनो, मैं ब्लैक कॉफी लेके आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ करना है तो देख लो। शट योर माउथ, शट योर माउथ। इसने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा,
क्या बोल रहा मैं? सॉरी सॉरी, देख लिया थोड़ा सा। तुम कॉफी ला रही है, मैं जाओ। मैं मेरे पे भड़कना नहीं चाहता, मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तू चाहती कि तू कह दो भकू, तू कह दो काटू, तू कह दो हट। You shut up, shut up, shut up! तू भोकले, तू भोकले पहले। कोई नहीं बेबी, गुस्सा थूक दो। हाँ? गुस्सा थूक दो। मेरा ये मतलब नहीं था, लालेंगे बेली सॉरी। सॉरी सॉरी, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, पता नहीं। यहाँ पर देखो कुछ तो ऐसे हो गया, ऐसी यहाँ नहीं यहाँ यहाँ। बेटर बेटर बेटर, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। कितनी क्यूट लग रही हूँ ना। एक बार ना मुंह धुला के देख लो, कई बार ऐसे होता है रसगुल्ले के अंदर से गुलाब जामुन निकल आता है। इधर हगना मना आपस में। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। क्या? केबल वाला पैसे बड़े मांग रहा था, हमने कहा यार क्या फायदा, हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं, ओरिजिनल फिल्में देखेंगे, सेंसर का कोई लफड़ा नहीं। तुमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है? यार लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आपको पता है यहाँ पे ना फिर मक्खियां मर जाती चाय में डूब के। मक्खी मारने के लिए कुछ करते नहीं हो? करते हैं, हमने उनको स्विमिंग सिखाई है, फिर हम लोग उनको एयर ट्यूब भी दिए, लेकिन जिसकी लिखी है ना मैम उसकी लिखी है वो चला ही जाएगा। तुमसे कहा था मैंने कि चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेके आना। हाँ मैं ले, बैठो हाँ। ना यार तुम्हें तो जिद बड़ा करते हो यार। इट्स ओके। ये रही आपकी चाय। या या थैंक यू सो मच। और ये रहा आपका स्नैक्स। स्नैक्स आए। स्नैक स्नैक स्नैक। अरे डरो नहीं, मेरा पालतू है। ओम टॉमी। हेलो टॉमी, बेबी को फन शेक करो। चलो ये तो गुस्सा बड़ा करता है, इधर क्या मुड़ रहा है, इधर मुड़। चलो फन शेक करो। डर कह रहे हो, इधर आओ पागल। ये सेल्फी वगैरह तो पापा हैं, ये तो सालों से सेल्फी ले रहा, कम एक सेल्फी। अब देखना इसने सेल्फी ले लिए, अगले साल बदला लेगा ये। बदला भी अगले साल लेगा, इस साल कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? चलो कहीं और चले। ये ऐसे करते चले जाओ, पहले अपनी कॉफी के 100 रुपए निकालो और तुम अपनी ब्लैक कॉफी के 10,000। ब्लैक कॉफी के 10,000? तो कॉफी ब्लैक मिलोगी तो महंगी मिलेगी ना। अरे यार इतनी महंगी कॉफी यार, ये तो तुम खुले हम लूट रहे हो। देखिए मैं लूटना अच्छा तो ले कहेंगे, लड़की तेरे को लूटे उसका कोई नहीं, लड़का लड़के को नहीं लूट सकता। सुनो मेरी बात मैडम, आप दे दीजिए 10,000 रुपये कॉफी का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800000 पे कॉल करके 50 रुपये पर प्रति सेकंड की दर से कंप्लेंट दर्ज करा सकते। What rubbish? टोल फ्री नंबर पे 50 रुपये कैसे? अच्छा 10,000 रुपये की कॉफी दे सकती हो और 50 रुपये नहीं दे सकती? लेकिन मैं पैसे कहाँ दे रही हूँ? हाँ तुम बॉयफ्रेंड के होते तुम लोग क्यों पैसे देने लगी, रेसिस्ट कहीं की? अरे ऐसा मत कहो, ये बड़ी अच्छी लड़की है, मामूली लड़की नहीं है, करोड़पति है। अरे मेरी तो छोड़ो, ये अरबपति बाप की औलाद है। अरबपति बाप, अरबपति? मैं कभी दुबई नहीं गया, अरब कहाँ से आ गया? क्या? तो तुम्हारा हीरो का बिजनेस नहीं? हीरे? हाँ? मेरे घर में खीरे नहीं आते, हीरे कहाँ से आ गए? लेकिन एक मिनट होल्ड जॉन, तुम्हें तो फेसबुक पे स्टेटस लिखा था कि बाइंग डायमंड्स विद टू अदर्स। नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ा नहीं है, बाय डायमंड कॉमिक्स। कार्टून जैसी शक्ल लेकर कॉमिक खरीदता है तू? अच्छा तुमने तो स्टेटस डाला था। क्या? बाइंग सोना चांदी? हाँ तो वो तो मैं चमनप्राश खरीदी थी और एसिडिटी हो रही थी। बेड़ा कर दो तेरा, तेरे चमनप्राश के चक्कर मेरा सत्यानाश हो गया। तुम्हारे चक्कर में मूछ वाला पान वाला भी मेरे हाथ से निकल गया मुच्छन। कम से कम मुझे एक कोल्ड ड्रिंक और वड़ा पाव तो खिला देता। क्या तुम्हारे बाप से कोल्ड ड्रिंक पीती थी? क्या वो मुच्छन तो मेरा बाप था? ए मेरे बाप का नाम तमीज से लो। वो तो सुनो, तुम आपस में बातें करनी तो मैं जाऊँ फिर। नहीं आप कुछ कहते क्यों नहीं, कैसे बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? लोल एलओएल लोल। एक मिनट, तुझे क्या हो गया?
मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, कुछ कहना चाहते हो? लोल, हेलो एंड लोल। चप्पू शर्मा, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें मैं अभी के अभी। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, ये हिल रहा है। अपने दुकान हटा दो, दुकान? वरना मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। तू हट, तू हट, तू हट, तू हट। कौन हटेगा भाई, डरता हो कौन? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमने कल पहने थे कपड़े वही पहन के आ गए जी, क्योंकि हम कपड़ों में नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा, इलियाना का कहना है कि ये प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर है, प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर तो हमने सुना है। कभी हमें भी लाइव शो पे बुलाओ। टमाटर जैसा हो गया। दीदी देख लो आपके भाई क्या कर रहे हैं। मजाक नहीं कर सकते हम। नहीं नहीं, आप जो मर्जी करो। मजाक नहीं, मतलब तुमने ये शो क्या बनाया हुआ है, मजाक के ऊपर ही तो बनाया हुआ है। मुझे कपिल शर्मा शो, एक एंट्री और ले। आज मान लो आपको कोई नहीं देख रहा है, टेक योर शावर, टेक अ शावर, आई मीन माइक, ऐसे ही ना देखो। देखो आप प्रोफेशनल सिंगर तो हो नहीं, आप तो बहुत अच्छे सिंगर हो, कैन यू डोंट हैव स्टेज फेयर। मेरा वो स्टेज फेयर का बहुत प्रॉब्लम है। तू बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत ज्यादा। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू। थैंक यू भाई। वैसे आज मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ राघव भी है इधर, जिन्होंने राघव प्लीज कम ऑन, कम कम ऑन। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी फिल्म रुस्तम के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा गाना दिया है, टाइटल सॉन्ग है रुस्तम का। और आप लोग बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि ही इज़ अ वेरी गुड सैक्सोफोन प्लेयर, राइट? तो अगर आप लोग इन्हें दरख्वास्त करें तो ही कैन प्ले। जी जी, प्लीज प्लीज। नहीं, यहाँ मिल जाएगा ना सर, हमारे हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग के पास है? जी 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 जी, बिल्कुल सर। ऑलराइट, गिव अ बिग हैंड एवरीवन। लाओ मेरे को दो। ओके राघव, व्हाट आर यू गोना प्ले? सर इतनी प्यारी लड़कियां हैं, सब ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड यू, मैं आई थिंक कुछ ऐसा बजाऊं जो रोमांटिक हो, तो तेरे संग यारा। ओके, कैन वी कॉल ऑन वन गर्ल एंड टू गाइस, एंड जो इनके साथ करेंगी डांस, और एक और लड़की जो करेंगी इनके साथ डांस। वाओ। और कपिल के साथ कौन डांस करना चाहेगा? हाँ बेटा, तू आ जा, कपिल के साथ डांस करने वाला आदमी। कौन? उधर ही रहना, खबरदार इधर आए तो। क्यों नहीं बैठो? नहीं नहीं, अरे वो मैं दुनिया में तुम्हारे साथ डांस करने आया। बिचारा फैन है तेरा, तेरे से डांस करना चाहता है। मेरे को नहीं करना, मेरे भाई मुझे कसम लगे माता की, जा ऊपर आया तो। मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ डांस यार, मेरे साथ यही बचे है क्या? नहीं यार मेरे भाई, प्लीज। अबे नहीं यार। ये हो गया आपका पार्टनर। नहीं नहीं, मेरा पार्टनर नहीं भाजी, भाजी वापस दे दो। क्या कर रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, हाथ ना लगा के करिए, ऐसे करियो। भाजी नहीं करना ही नहीं ना, कभी कभी मैं आ जाऊंगा। अच्छा ईशा, अगर कोई आया मैंने पुलिस बुला लेनी। बैठो नीचे, कोई नहीं आएगा। हाँ व्हाट्स योर नेम? अजय। अजय, सो अजय जी ईशा के साथ डांस करेंगे। अब इलियाना के साथ कौन डांस करेगा? परी, ये देखो, आंख पे ताला लगाया हुआ है। ओके,
सो अब मेरे साथ तू चुनना, तू चुन ले। मैं सिद्धू पाजी के पास जाकर बैठ रहा हूँ, मेरे को नहीं डांस करना करना। नहीं नहीं पाजी, आ जा। सारी लड़कियां लड़कियां खुद मैं पाजी के साथ बैठा हूँ। हाँ भाई, कम होगा तो मेरा इलियाना या ईशा के साथ में, मैं को नहीं आना। ये बात सही, तब आएगा। मैं क्यों करूँ महेश कुमार के साथ डांस? अच्छा महेश बेटा, बड़ों का लिहाज करो, जाओ बैठ जाओ। जान बची तो लाखों पाए, जा जाओ। अच्छा आप ही खुद चुन लो, जल्दी करना यार। बैठो बैठो, बताता हूँ। तुम सब तो इधर ही हो, तुम सब तो इधर ही हो। जब ये चले जाएंगे फिर आपके साथ, अभी इनके साथ। ये इनके साथ डांस करेंगे, वो इनके साथ। ये इनके साथ करेंगे, ये इनके साथ करेंगे, ये मेरे साथ करेंगे। ठीक है, और सबके साथ डांस होएगा ना बाद में, आप मेरे ऊपर गिर जाना, मेरे को मार दो। अद्दा यार, ठीक है, मैं एंजॉय करूंगा डांस देख के। वो आ रहा फिर। और नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं कि इफ आई नो अबाउट इंस्ट्रूमेंट, सैक्सोफोन इज अ वेरी हार्ड इंस्ट्रूमेंट टू प्ले। वुड यू लाइक टू टेल देम अबाउट व्हाट सैक्सोफोन इज? इट विल बी अ ग्रेट नॉलेज टू देम। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट जो बहुत लोगों को, आपने बहुत टाइम सुना होगा। एक लाइन बताता हूँ, कौन सा गाना था? रूप तेरा बताना। तो बोल रहा थोड़ा सा राघव प्लीज। हाँ जी, गाएंगे? मैं? हाँ। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। समा है आज, नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहका। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अच्छा लाइटिंग दोबारा वो करो, मुझे अक्षय पाजी की फिल्म का एक और गाना याद आया पाजी। कपिल शर्मा द सिंगिंग शो। मैं कहीं भी हूँ, बस याद सा। जी जी, थोड़ी जुगलबंदी।
किसी से कहूं के नहीं भी कहूं, बस याद साथ है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ में ये भी कहूंगा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट सेक्सीएस्ट इंस्ट्रूमेंट। किलिंग किलिंग वाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। सुपर्ब। प्लीज गाइस गिव हिम अ बिग हैंड। हमारे देश को आजाद हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी चीज के गुलाम है। कोई व्हाट्सएप का गुलाम है, कोई ट्विटर का, कोई फेसबुक का, कोई वैसे ही गुलाम है। तो आप में से किनको लगता है कि आज भी हम किसी ना किसी चीज के गुलाम है? जी भाई साहब। कपिल भाजी, मैं आजादी चाहता हूँ। मेरा देश आजाद हुए 68 साल हो गए हैं जी, लेकिन पिछले 28 साल से मैं आजाद नहीं हुआ। अच्छा, शादी हो गई। तो जो इस तरफ बैठी हैं, ये आपकी वाइफ है? हाँ जी, ये मेरी वाइफ है। आप इनसे आजादी चाहते हैं? आजादी चाहिए होगी फिर शायद आपसे। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। क्यों? कपिल पाजी, मेरे अंदर 99% खूबी है, एक कमी है। एक घंटा सवेरे तो एक घंटा शाम में लेक्चर सुनना पैंता है। को क्या कमी आप में? मेरे को नॉन वेज का शौक है, तो मैं वो उसको पचाने के लिए दो पैक पी लूं, चलो कोई बात नहीं। मुझे ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। नॉन वेज को पचाने के लिए आप ड्रिंक लेते हैं, या तो उनको इस बात का गुस्सा आप उनको नहीं देते। सर इसको देख लो, मेरी जितनी भी मेरे को चीजें पसंद है वो चीजें छोड़ दी ने। आपको पूरे दुनिया में 125 करोड़ जनता में कोई एक भी लेडीज या बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो आइसक्रीम ना खाता हो। मेरी बीवी आइसक्रीम नहीं खाती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। मैं नॉन वेज खाता हूँ, ये नॉन वेज नहीं खाती। मतलब जो आपको पसंद है वो नहीं करना। इसने प्यार बहुत करती है, प्यार बहुत करती है। अच्छा, उनको वो तो दो माइक तो दो। मैम आपने डांस बहुत अच्छा किया, बहुत ही मजा आया। तो यही कहीं आप वीकेंड पे इनको करके दिखा दे तो इनकी कंप्लेंट दूर हो जाए। अक्षय जी की बात बताइए, ये कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, इनका पोता है, बहु रानी है, इनकी 4 बच्चे हैं और बिल्कुल फ्री माइंडेड घूमने जाते हैं साल में दोबारी, उसके लिए भी इनको पूरी छूट है। उसके बाद हमारे पास चार बार हमारा डिवोर्स होते होते बच गया 28 साल में। अब बताइए इनको कैसी आजादी चाहिए? अच्छा, 4 बार डिवोर्स होते थे बच्चा, और हर बार जब हो रहा था तो एक बच्चा हुआ ना। भाई साहब, आप कभी पड़ोसी का डिवोर्स मत बचाने जाना। सो अब वक्त है उन्हें यहाँ इनवाइट करने का, जो फिल्म रुस्तम में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। पहली फिल्म में अर्जुन जो है ये बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं। सोचो, फिल्म में ये अक्षय पाजी की वाइफ का किरदार निभा रही इलियाना, ये उनके साथ अफेयर कर बैठते हैं तो बाद में आपको गोली मार दी जाती है। पाजी रुस्तम, मैं छुपा रुस्तम। बहुत ज्यादा गुन्नी रुस्तम। तो आपने इनको इनके साथ सलाह नहीं की कि देखिए इन्होंने ज्यादा आजादी मांगने की कोशिश की, मैंने मार दिया। लो, अजी गिर गया। अच्छा ना, आप भी
वो खा रहे थे इलायची खा रहे, गिर गया मैं उठा के। अच्छा मैं अक्षय पारी से तो नहीं पूछ सकता अर्जुन, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी। ईशा और इलियाना दोनों में से कौन ज्यादा मुझे लाइक करती है? आपको लाइक करती है। पाजी एक बात बताओ, ये जो गेम होती कोई भी गेम ले लो आप दुनिया में, फोकस आपको पूरा चाहिए होता, चाहे क्रिकेट हो कोई भी गेम हो। पाजी तो ब्लैक बेल्ट है। पाजी आदमी जब बैंकॉक जाता है तो फोकस हिल जाता है। आपने बैंकॉक में रहते हुए कराटे की ट्रेनिंग कैसे ले ली? जो इंसान नीचे से ऊपर जाता है कुछ बनने के लिए, उसके लिए जगह डजंट मैटर। नहीं पर वो वैसे प्यारे लोग इतने होते ना बैंकॉक वाले, आप जाओ तो पहले ही तेल लगा के बैठे होते हाथों पर, मचाज आपके घुटने पकड़ लेते हैं, मचाज बड़ा प्यार करते, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इससे पहले कि मैं ही सारी बातें करता जाऊं, आप सब लोग जितने भी यहां पे मौजूद हैं, आप अक्षय पाजी से, अर्जुन से, इलियाना से, ईशा से जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जी जी सर। अक्षय सर, सिद्धू सर, कपिल सर, द गॉर्जियस लेडीज एंड ऑल द ऑडियंस, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं हूँ कमांडेंट दिनेश कुमार चौहान, रिटायर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मेरे साथी हैं संजीव नायक, इंडियन नेवी से। अच्छा। सर आपको रुस्तम में यूनिफॉर्म में देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा? जी मैं आपको सच सच बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा। जैसे वो यूनिफॉर्म ऊपर आती है बैच के साथ, यहाँ जितने तमगे लगे हैं सब कुछ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देर इज समथिंग ग्रेट अबाउट अ यूनिफॉर्म। थैंक यू सर। और सर्विस से रिलेटेड ही हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, आइए आइए। थैंक यू। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपकी वार्डरोब की शोभा बढ़ाए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत स्वीट, ये बड़ा अच्छा है सर। भारतीय तट रक्षक की तरफ से मुझे वॉलेट दिया गया है। तू तो गरीब है, तेरे को क्या लेगा? अरे पैसे गवर्नमेंट देगी। इससे कहा नहीं था गरीब है, पिछले शो में सरकारी वॉलेट है ना, तो पैसे गवर्नमेंट देगी मेरे को। आपको दिखाओ क्या मिला? मुझे टाई मिली है। आप तो पहनते नहीं मेरे को दे। मैं सब पहनता हूँ बेटे। इतने बड़े सुपरस्टार हो गए आपको ऐसी बात नहीं पहनूंगा। पहनो। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। थैंक यू सर। पाजी मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करता हूँ, तो उन्होंने मेरे बॉस का फ़ोन आया, कहते आप पे मुकदमा चलाना है टॉप की अदालत में। मुकदमा चलाना? जी वो थोड़ा सा पाजी ऐसे अपने लोकल चैनल के लिए है। जल्दी जल्दी सेटअप लेके आइए भाई, चलिए। नमस्कार, सिटी केबल पे आज के प्रोग्राम टॉप की अदालत में आप सबका स्वागत है। आज जिस शख्सियत पे मुकदमा चलेगा वो है बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती सुपरस्टार अक्षय कुमार। उन पर इल्जाम लगाने के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन भी मौजूद है, जो यहां पे आरोप लगाएंगे। और आज की इस कार्यवाही को जज करने के लिए हमारे बीच आए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अखबारों के चीफ एडिटर को चाय पिलाने वाले मिस्टर चंदू। तो मिस्टर चंदू, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। एक चाय। प्रेमलाल मेरा। लौकी का जूस, लौकी का। एक सिकंजी, सिकंजी दे दीजिएगा। और मैं जज बनाऊं? हाँ तो बने रहो। हाँ तो फिर अदरक डाल के दे दो ना। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा कि आप अपनी चेकबुक पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच। चेकबुक भी मेरी ले ली। इस पे हाथ रखे। तेरी आदत जाती नहीं है लोगों के पैसों पे देखने की। हमेशा अरे मेरी चेकबुक ले आए। मौसम खराब होने की वजह से ये लाइन काट दी जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आरोप की तरफ। अगला आरोप तो नहीं, पहला ही नहीं हुआ ना अभी तो। अगला आरोप क्या? जज साहब मुझे लगता है अक्षय कुमार जो है वो हमारी बैंड बजाने के चक्कर में है, मुझे अगली डेट दी जाए। आप फ्री हैं तो इसका मतलब वो भी फ्री हैं। उनके पास डेट्स नहीं है। आप ये कार्रवाई आज शुरू कीजिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे छोटी इलायची रख लीजिए, उसको पीसते रहिए अपने हथौड़े से। जी
तो ताप की अदालत में अक्षय कुमार पर पहला इल्जाम है कि आप जाम से दूर रहते हैं, तो सस्ते प्रोड्यूसर जो हैं आपको बहसला फुसला के कैसे फिल्म करवाएं? देखिए, जाम से दूर रहना, अगर मैं पूरे जनता जनार्दन के सामने ये कहूं, क्या बुरी बात है कि जाम से मैं दूर हूं? अच्छी बात है। तो जनाब, आई एम श्योर कि आप सब लोगों की बातें सुनकर आज हमारे जज साहब का दिल पिघलेगा और वो कुछ अच्छी बातें कहेंगे। जज साहब, क्या मैं ये मुकदमा जो मेरे ऊपर चला है, छोटा सा जो केस है, क्या मैं जीत रहा हूँ? बिल्कुल, आपको चाय भी मिलेगी इसके बाद। जी, आप क्या कहना चाहें? लेकिन जाम खाने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक बात बताइए, आप उल्लू के पट्टे हैं कि पट्टे के उल्लू हैं? मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बकवास मत कर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दो दो चाय। पहले जो दिए थे वो भी भेजे तो नहीं आप? मेरी गुजारिश है फालतू बकवास बंद की जाए। अक्षय कुमार के ऊपर दूसरा आरोप ये है कदम कि रात में होने वाली बॉलीवुड पार्टी में ये जाते नहीं। आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, आप मीडिया को मसाला नहीं देते। पार्टियों में जाके मैं करूं क्या, कोई बता सकता है? डांस? लेकिन ये डांस वाली पार्टियां तो है नहीं। डांस के तो जो पैसे लेते हैं उसके लिए तो पैसे चाहिए। क्यों जाएंगे फ्री, हम फ्री में डांस क्यों करें? हाँ। जज साहब, इसके बारे में क्या कहना है? ये आप एक साथ ही बोलिएगा, हर एक बात पे नहीं बोलना। ये थोड़ा लाची पीस रहा था यार आप ऐसे। अक्षय कुमार पर अगला आरोप ये है। मैं अगला आरोप उस औरत से सुनना चाहूंगा। जी, मैं, मेरी बारी आ गई। हाँ, आप। मैं चाहूंगा, मुझे ये महिला बड़ी अच्छी लगी। ये साड़ी आपने नागपुर से मंगवाई है? क्यों? संतरा कलर की है इसलिए पूछा। आप मोटरसाइकिल पे आई हैं यहाँ तक? नहीं नहीं। आपका हेयर स्टाइल ऐसा लगता है आप उल्टी होंडा चला के आई हैं। यूं आई हैं यूं। महिला जी, अगला आरोप आप सुनाएं। मेरा आरोप तो आप पर ही है। बात दरअसल ये है कि मैं एक हीरोइन हूँ, मेरा नाम बेबी नाज है। जाचो ठेप न बड़े हीरोइन। आपको क्या तकलीफ है? डेट देखा तुमने हीरोइन? ठीक है, मैं आई एम अ हीरोइन। हेलो, हाय 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 हाय। मान लीजिए मान लीजिए। चुप कर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी हीरो बनकर आते हैं, मैं कब की मार्केट से गेट आउट हो चुकी हूँ। आखिर हम हीरोइंस के साथ ऐसा क्यों होता है? नाम नहीं बदलती, बेबी नाज, अभी तक बेबी है आप। बेबी हटाइए, अब आप नाज हैं। बताइए, ये बेबी है, ऐसा लगता है इनके पेट में बेबी है। नहीं, वो ऐसा कुछ बेबी नाज नहीं, आप बड़ा वाला जहाज हो चुकी हैं। क्या कंप्लेन? नहीं, कंप्लेन यही है, सब कहते हैं काम मिलेगा काम मिलेगा, लेकिन काम कभी नहीं मिलता। तो शेव करवा के क्यों नहीं जाते? तो इनका आरोप यह है कि सिर्फ लॉन्च होती रहती है। मेरी क्या गलती है? मैं तो एक्टर हूँ, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ। एक बार आप ही मुझे चांस देके देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिट नहीं हूँ, बड़ी फिट हूँ मैं। आइए स्क्रीन टेस्ट दीजिए। आइए 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 अदालत में आइए, आज स्क्रीन टेस्ट दीजिए अपना। यहाँ अच्छा जज साहब, आप कोई सीन सुनाएं जो ये करके दिखाएंगी। ठीक है, आप एक सीन करके बताएं। सीन ये है कि आपको डाकुओं ने पकड़ा हुआ है। हाँ। आपके पति छुड़ाने आए। हाँ। उन्होंने आपके पति को पकड़ लिया। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम नाचोगी तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, पति कौन है? अक्की? मैं हूँ। मेरा पति? अब यही खड़ा रहूं या बाहर आऊं? बाहर आइए, बैठे बैठे। आप पर डांस से पहले एक आरोप है, आपने हमारा काम खराब कर दिया। आपने हमारा जो भी कहना कटारे में रहकर रहिए। हो गया हो गया हो गया, कटहरा तो सारा बिखर गया है। मेरी बारी आई और गाना बंद कर दिया तुमने। चलो उधर, इससे तो मानते नहीं, उधर चलो। मेरा पति छूटा कि नहीं छूटा? आप कितनी बार कहे चलते मुकदमे बाहर नहीं निकलना, बैठिए। जाचू कहते हैं आप, चलिए उधर। अच्छा, मुझे तो खुलवाओ। आप खुल चुके हैं, और ज्यादा क्या खुलेंगे आप। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है कि आप साल में 5-10 फिल्में कर देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो टीवी पे काम करते हैं और एक आध फिल्म भी आ चुकी है, वो सारा साल आपकी फिल्मों की प्रमोशन करने में लगे रहते हैं, वो अपनी दूसरी फिल्म कब करें? आप लोगों को अभी बताऊं, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनके प्रोड्यूसर साहब मेरे पास आए, कहा कि हाउसफुल 3 के लिए जब आप आए तो इतना हमारी TRP इतनी बड़ी और उसमें इतना माल कमाते हैं, उसमें इतने सारे लोग जो हैं, इतने पैसे मिलते हैं, फिर भी ये इंसान इस बात पे कंप्लेन करता रहता है। अगर ये प्रोड्यूसर यहीं कहीं बैठी है, इनसे पूछ लीजिए कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, खड़े होकर जवाब दीजिए। तकनीकी खराबी की वजह से ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। क्यों? काट दिया जाए। आप पर जनता का अगला आरोप है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आप क्या नहीं करते हैं? मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या? मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ, तो आप क्या नहीं करते हैं? मैं इसकी तरह हीरोइनों को जो भी आती है यहाँ उनको प्यार नहीं करता, गले नहीं मिलता। ये सही बात बोले हैं, ये सही बात बोले हैं। ये कौन है, ये कौन है? हम देखिए, हम दूध वाले हैं, बच्चू चौबे माय नेम, आई एम मिल्क मैन। देखिए, हमारा आप पर आरोप है कि क्या है कि नलके में पानी नहीं आता है सुबह सुबह, उससे पहले तो आप जाग जाते हैं, तो अगर हम चाहें कि आपके दूध में पानी मिलाएं तो मिलाएं कैसे? यू वेक अप टू अर्ली। बिल्कुल सही कहा, मोटा आदमी पानी नहीं मिलाएगा तो खाएगा क्या? लेकिन आपसे दूध मंगाता कौन है? हमारे पास तो खुद की गाय है। अरे आप किसकी गाय है? देखिए, मैं आपसे मोटे भैया एक रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि आप फालतू में बहस में पड़ रहे हैं, अगर आप खुद चारा खा लें तो गाय से ज्यादा दूध आप दे सकते हैं। और बच्चू चौबे का शरीर देख के इस पे गाना आया, बच्चू चौबे जवान हो गया, खड़े हो जाओ, हाय दूध की दुकान हो गया। गाइए गाइए, बच्चू जवान हो गया, हाय दूध की दुकान हो गया, दा 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 दा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चाय की दुकान नहीं है जो अदालत आप ऐसे कैसे नतीजे पर पहुंच गई? आप बकवास बंद करें आप अपना। यार वो आरोप मान तो रहे नहीं है, मैंने कहा चलो नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कौन से मतलब मैं को जो अभी तक मैंने बात बोली है कुछ गलत बोला है? फिर मैं जाजू, और मेरी कोई मास ना, मैं जाजू। मैं जाजू। ये किस तरह की सीट है सर? मैं जाजू। इससे गद्दी हटा के हम टॉयलेट में भी यूज कर लेते हैं। अगला आरोप वो कोर्ट वाले भाई साहब से करवाइए। तो मैंने आपसे ये कहना है अक्षय भाई कि हम सारा साल सुनते हैं कि सलमान खान की फिल्म ने 400 करोड़ किया, शाहरुख की फिल्म ने इतना करोड़ किया, आमिर खान की फिल्म ने इतना करोड़ किया, लेकिन मार्च के एंड में पता चलता है सबसे ज्यादा इनकम टैक्स आपने दिया। वाँ 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 वाँ, बात तो है, ये बात है। ये मेरे मन में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, ये इल्जाम नहीं था, ये अच्छाई की इन्होंने। तालियां, बैठ जाइए। तो अगला इल्जाम अक्षय कुमार पर यह है कि सब खान्स की फिल्में ईद, दिवाली, न्यू ईयर पे रिलीज होती हैं, आपकी किसी फेस्टिवल पे रिलीज नहीं होती, क्या आप फेस्टिवल नहीं मानते या आपका कैलेंडर जो है वो खराब है? ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है वही एक फेस्टिवल होता है। वाह वाह वाह, अरे इतने फेस्टिवल नहीं है जितने इनके फिल्में आती हैं, अगर देखो तो आप सभी बात है। अब देखिए, अब इन्होंने इस बात पे ऊपर उंगली उठाई। मैं कह रहा हूँ इस यहाँ पे दो इंसान पिटने वाले, एक जज पिटेगा और एक ये डॉक्टर पिटेगा, और दोनों के बाल एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। बट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्लास इफ यू सी।
I am a 9th class pass out. He is even 2 standard pass out. इसने तो पहली भी दो बार में किया, आपको पता नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। अक्षय कुमार पर अगला आरोप ये है कि ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया कि आज सबसे पहले अदालत भी इन्हीं ने खोली है। इतनी जल्दी क्यों उठते हैं आप जी? हमने सुना है बचपन में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमने सुना है, लेकिन सारे उठते नहीं है। आप ही एक मैं उस पर अमल करता हूँ, कोई गलत हुआ। मैं 3 बजे उठ के कर रहा हूँ क्या, मुझे बताइए। 3 बजे नहीं, 4 बजे। 4 बजे क्या कर रहे हैं? मैं उठ के पढ़ाई करो। आज अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं बाहर कहीं आपका डॉक्टर लगा होता। अगर पढ़ा लिखा और क्या 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 अस्पताल खोल रखा, 50-50 हॉस्पिटल, मरते दम तक आपके साथ, बाकी सब भगवान के हाथ। चलिए, आप अक्षय कुमार हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इनके हैं, इनके हैं, हमारे हैं या आपके? Once again, okay, I am so sorry for that, okay. नवजोत सिंह सिद्धू ना काप के हैं ना ताप के हैं, अपने बाप के हैं। I must say, आप अक्षय जी हमको डॉक्टर को बोल रहे थे, आप जो फिटनेस के पीछे पड़े रहते हैं, गुड फॉर यू, हमारा क्या? लोग फिट हो जाएंगे तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा ना, कोई आएगा ही नहीं। तो मैं आपके धंधे के लिए अपने अपनी दुकान बंद करा लूं, अपने मतलब मैं कुछ ना करूं, मैं कोई कसरत ना करूं? लोगों को मैसेज देते हैं आप, उसमें मेरे को थोड़ा सा लगता है। मुझे पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते हैं। कौन पूछते हैं मेरे को बताइए, मैं उसको ठीक करूंगा। लोग पूछते हैं मुझसे। पर अक्षय जी को पता है कि आपका धंधा बंद नहीं होने वाला है, अगर हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो आप साड़ी पहन के भी पैसे कमा लेते हैं। जो अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में गुंडों को पीटते हैं, उनके जब चोटें लगती हैं वो तो आपके यहाँ आते हैं ना? या वेरी नाइस क्वेश्चन, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर सोचता नहीं। कहना जो अगर मैं सोचता हूँ तो पेशेंट को लगता है डॉक्टर सोच रहा है तो मैं इसके पास इलाज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वो चला जाता है, तो मैं बिना सोचे इलाज कर देता हूँ, वो बिना सोचे मुझे मार देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता आपने कितनी बार उधर मुंह करके बात करके उसके ऊपर थूका है बेचारी औरत पे? आपको देखिए, मुझे अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए ऐसी औरत के ऊपर। बेटे मैं देखने रही, एज ए जेंटलमैन तेरे फादर की बेइज्जती हो रही है, तू कोई कुछ मेरी बेटी सवाल पूछेगी जी? बेटे पूछो। अच्छा सर, आप पे ये आरोप है कि आप हमेशा अपनी फिल्मों में लंबी हीरोइनों को क्यों लेते हैं, मुझ जैसी को क्यों नहीं लेते हैं? मैंने बेबी नाज को लिया था पहले, ये लंबी लगती है, ये फैली हुई लगती है ना। तो आपने एज ए गोट साइन किया था ना फिल्म में, मेरी बेटी तो हीरोइन है। बेटी का भी स्क्रीन टेस्ट होगा आज। लगाओ भाई गाना। अरे ये अच्छा है। स्क्रीन टेस्ट के लैग में आपको चीज बताता हूँ आपको बेटे। My daughter is a very good martial arts champion. She do very good karate and all, judo वगैरह बहुत अच्छा। आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं। आप अदालत के कारपेट पे ऐसे कौन बिठाता है भाई? भाई जूडो कराते मेरी बेटी करेगी। बेटे कम ऑन, शो द टैलेंट मिस्टर अक्षय कुमार जी। देखिए क्या कराटे का डाल। पापा आप यहाँ आए तो मैं दिखाऊंगी ना अक्षय सर को कितना आता है। आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, आप इधर इधर मरे, उधर उधर चले, थोड़ा आगे हो जाएं। इधर आए डॉक्टर साहब, आप वकील इधर आए। कैमरा ब्लॉक। ये ऐसे डायरेक्शन कौन देता है? मैं ऐसे कैसे डायरेक्शन देते हो तुम लोग? इधर आए, सीधा बोलो आदमी वहां चले जाओ। और तुम मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, अदालत की तौहीन हो रही है। अरे अरे पता नहीं चल रहा है अदालत की, क्यों उठता है डंडा, क्यों नहीं जाके? और मैं जाचू तेरे चिट्टे बालों के बीच में काले बाल दिख रहे हैं। ये तो जज लग नहीं रहे, लगता है किसी ने चुड़ैल के बालों में बम चला दिया है। ऑर्डर ऑर्डर।
बैठ जाइए प्लीज। अच्छा चलो यार जो स्क्रीन टेस्ट करना जल्दी करो। ऑर्डर ऑर्डर। पापा टर्न मेरी तरफ थूके। शी इज वेरी गुड जूडो। जूडो देखिए इतने जोर से मार रहा मेरे को कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टैंडिंग लाइक अ बॉल। एंड कुछ नहीं हुआ आपको? Nothing happened to me. अक्षय सर इनको कुछ नहीं हुआ, आप ही कुछ कर लो, आई थिंक कुछ हो जाएगा फिर डेफिनेटली। hey, वो सीरियसली ले लेते हैं, उनको हिंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पहले एपिसोड्स में भी यार। आइए आप, मैंने आपके बहुत पर मैं तो सीखूंगी ना सर से। सर इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं होता, दो जरा एक क्रैक आप इधर आइए। चलिए अब आएगा मजा। है तेरी है पापा मेरे को मजा है। एज ए लेडी जितनी तूने मार खाई है उतनी तो किसी ने खाई नहीं है। ये पुरानी बातें छोड़िए, चलो 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 रेडी, ये छोड़ दीजिए। स्टेथोस्कोप भी दे दीजिए निकाल के, ये भी निकाल दीजिए। हालत में वॉकमैन सुनते हैं बदतमीज, ये भी निकाल दीजिए। ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। नहीं उस तरह का नहीं है, मुझे पता है। आज असली मार्शल आर्ट देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर कितना दम है। हाँ, हाँ। और वो दम पंच मार के या किक मार के नहीं देखा जाएगा। हाँ। आज इस इंसान की क्या मैं बताऊंगा, ये खोलिए ना आप, मेरे गुदगुदी तो नहीं करेंगे ना? गुदगुदी नहीं करूंगा। आज देखिए इसके इतने सारे बाल हैं, ये हम वैक्सिंग करेंगे। तो भाइयों आज मेरे बात सुनिए। सर आपने कराटे सीखा है? नहीं, मेरे ये कहाँ का जुड़े हुए है मेरे को पता नहीं है। कम बोला ये तो फिर वाली बात होगी। इधर आइए। ये कहाँ का जुड़े हुए है? ये कहाँ का टाइक्वांडो है आप बताएं मुझे। नहीं अरे ये कुछ नहीं होता, it's okay. तू कर ले, तू कुछ नहीं। दूसरा हाथ भी आ जाए। खोलो जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब बाल बाल भी नहीं। फिर देखिए ये है प्रूफ, इस इंसान के अंदर बहुत जान है। अभी इसका डीएनए होगा। डॉक्टर साहब ले आते हैं, आपकी अमानत। अरे लाइए लाइए, स्ट्रेचर लेकर आओ। आप ठीक तो हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। जरा वो ये देखिए, स्ट्रेचर तो लेके आए। ये देखिए सारा साफ हो गया। मैंने बड़े दर्द हुए। अब पता चला आपकी बेटी को कितना दर्द होता होगा जो वो वैक्सीन करवाती हैं। अभी तो वहाँ वैक्सीन की नहीं है, जहाँ दर्द होता। मैंने बड़ी पीड़ हुई। मैंने ना बहुत ज्यादा है। आज से बेटी आप जज। जाइए बैठ जाइए। मैं जज हूँ। उसके अपना उठे जाओ दुबई टी स्टॉल जाओ। ये इतने अग्रेसिव क्यों है मेरे को पता नहीं। साथियों इससे पहले कि अक्षय कुमार किसी और का पकड़ के वैक्सीन कर दें और अदालत को बहुत दर्द होगा, नहीं, और हम अपनी कार्रवाई यही स्थगित करते हैं। हमें नहीं करना आप पे कोई इल्जाम, हम अपनी माफी चाहते हैं। सारे इल्जाम हम ही कमीने हैं, हमारा हमसे कसूर हो गया, हमें माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी, इंदियाना, ईशा और अर्जुन बाजवा के लिए। और एक बार जोरदार तालियां टॉप की अदालत की। बाजी बहुत मजा आप सबके साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हम हमेशा ही देते रहते बाजी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमने एक कॉन्टेस्ट किया था जिसके अंदर ये कहा था कि कौन सबसे बढ़िया रुस्तम का गाना गा के दिखाएगा। तो एक लड़का है जिसने ये गाना गा के दिखाया, मैं उस लड़के को बुलाना चाहता हूँ। वाइल वी क्लिक द फोटोग्राफ He is going to sing that song and I am telling you how beautifully he sings it. Aap log zarur suniye. Aaiye.